नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल टेली फिल्म में। मैं नेटफ्लिक्स ने अपनी अपकमिंग फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की अपकमिंग फिल्म अवेक के बारे में, डिस्कस करेंगे उसकी सारी अपडेट्स को लेकर। तो बात करेंगे हम उसकी स्टोरी, स्टार कास्ट, रिलीज डेट और ट्रेलर के बारे में। अवेक इज एन अमेरिकन साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। उसे डायरेक्ट किया है मार्क रासो ने और उसे प्रोड्यूस किया है पॉल शिफ ने। आगे हम बात करेंगे उसकी स्टोरी की। पूर्व अमेरिकी सेना की दवा और नशे की लत से उबरने वाली जिल एंडम्स एक स्थानीय कॉलेज में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करती है, जहां वह बेचने के लिए अनुसंधान प्रयोगशाला से ड्रग्स चुराती है। अपनी शिफ्ट के बाद वह अपने बच्चों नूह और मल्टीडा को उनकी दादी डोरिस से उठाती है। घर जाते समय उनकी कार बिजली खो देती है और किसी अन्य वाहन की चपेट में आने के बाद जेल में चली जाती है। मटिल्डा डूब जाता है, लेकिन पास से शेरिफों द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है, जो बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ खराब है। वे ऐसे अस्पताल जाते हैं जहां कोमा के मरीज अपने आप जाग गए हैं। बाद में उस रात डोरिस के घर मल्टीडा को छोड़कर सभी सो नहीं पा रहे थे। अगले दिन काम पर जिल डॉक्टर मर्फी को सेना और उसके सहायक ब्रायन द्वारा अनुरक्षित पाया जाता है। बताता है कि कोई बेहोश लोग नहीं है और यह कि हर कोई शीघ्र अनिद्रा से मर जाएगा। जिल ने ब्रायन को बताया कि मल्टीडा सो सकती है और वह घर जाती है यह पता लगाने के लिए कि डोरिस उसे चर्च ले गई। चर्च में पादरी मल्टीडा को आशा की किरण होने के बारे में एक उपदेश देता है, लेकिन पेरिस भगवान को खुद करने के लिए उसका बलिदान करना चाहता है। जिल ब्रायन और नू के साथ आता है, लेकिन अगर वे उन्हें मल्टीडा नहीं देते तो पेरिस को धमकी देने के बाद ब्रायन को मार दिया जाता है। भ्रम के दौरान जिल अपने बच्चों के साथ डोरिस और पादरी की मदद से भाग जाती है। जिल गैरेज से एक पुरानी कार लेता है और नू उसे मल्टीडा को मर्फी से ले जाने के लिए मना लेता है। जिल झिझकती है और नू को बताती है कि मर्फी उसे यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर था, जो नींद की कमी यातना में विशेषज्ञ रखता था। सड़क पर वे पुस्तकालय तक पहुंचते हैं और नू को एक नक्शा मिलता है, जिसका उपयोग वे मर्फी की सैन्य प्रयोगशाला को खोजने के लिए करते हैं। ऐसा करते समय एक भागा हुआ कैदी मल्टीडा के साथ उनकी कार चुरा लेता है। अन्य कैदी जिल को नू के लिए धमकाते हैं और लेकिन वे उसकी व्यक्ति द्वारा बचाए जाते हैं, जिसकी कार डोज चुरा लेती है, जो तब परिवार की मदद करने का फैसला करता है। वे प्रयोगशाला में पहुंचते हैं और डोज रखने की पेशकश करता है। सैनिक नींद की कमी से पागल हो जाते हैं और एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। जिल बच निकलती है और मल्टीडा को बचाने जाती है। नू को डोज द्वारा बचाया जाता है, जिसे तब मार दिया जाता है, लेकिन उसे मति भ्रम के कारण वह एक तार काट देता है, जिसके खुद को बिजली का झटका लगता है। जिल और मल्टीडा डिफाई ब्रिज का उपयोग करके हुए पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफल होते हैं। अगली सुबह नू अचानक उठता है और कहता है कि वह सपना देख रहा है। नू जिल को बताता है कि वह लैब में नहीं जाना चाहती थी और वह जानती थी कि वह उनसे प्यार करती है और उसे उसकी ज़रूरत है। मल्टीडा को पता चलता है कि वह और नू सो सकते थे, क्योंकि वे दोनों अस्थायी रूप से मर गए थे। वे जिल को एक झील में डुबो देते हैं और उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं। कई हृदय संकुचन होने के बाद पुनर्जीवित हो जाती है और एक गहरी सांस लेती है। आगे हम बात करेंगे उसकी स्टार कास्ट की। जिना रोड्रिगेज जिली के रूप में, मल्टीडा के रूप में एरिना ग्रीनबाइट, डोइसो के रूप में फ्रांसिस फिशर, डोस के रूप में सोमियर एंडरसन, फिन जोन्स के रूप में ब्रायन लोरियस होयस, नू के रूप में गिल थोकनी के रूप में डॉक्टर काटजो बेरी, काली मिर्च पादरी के रूप में डॉक्टर मर्फी के रूप में जेनिफर जेसन ले देखने को मिल जाए। आगे हम बात करेंगे उसकी रिलीज डेट की। तो दोस्तों, ये हमें 9 जून को नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।